राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अल्प आय वर्ग के लिए 86 घंटे में व्यावसायिक एवं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत जो है नक्शा पास कर दिया है। रिंग रोड फेज एक के दांदीपुर में रोडवेज बस स्टैंड के बगल में प्रस्तावित 6 मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है 2817 वर्ग मीटर में बनेगी। दोस्तों यहां पर कुल 65 फ्लैट बनेंगे। ग्राउंड और प्रथम तल पर दुकान और ऑफिस के लिए स्थान होगा। इस योजना के तहत जो है लोगों को बाजार रेट से सस्ते फ्लैट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर निर्माण के साथ जो है ब्रांडेड कंपनियों के जो है शोरूम भी खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। नई काशी की कल्पना जो है रिंग रोड के किनारे की गई थी। बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर 27 दुकान, एक एसटीपी एवं सार्वजनिक सुविधाएं। प्रथम तल पर 21 दुकान, एक ऑफिस एवं सार्वजनिक सुविधाएं। द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पंचम तल और षष्ठम तल में प्रत्येक तल पर जो है 13 यूनिट और इसके अलावा दोस्तों टोटल जो है 65 अफोर्डेबल फ्लैट बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों 103 कारों की पार्किंग की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार दोपहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था और वॉशरूम तथा लिफ्ट आदि की व्यवस्था रहेगी। तो दोस्तों ये थी वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड अपडेट, जिसमें अल्प आय वर्ग के लिए जो है ग्रुप हाउसिंग अफोर्डेबल जो है स्कीम के तहत ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जो ये फ्लैट जो बन रहे हैं आपका जो रिंग रोड के फेज एक के दांदीपुर के रोडवेज बस स्टैंड के बगल में ये जो प्रस्तावित ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें टोटल 65 फ्लैट बनेंगे। तो इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तो आप सभी भाइयों से अपील है कि जो लोग भी आज मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम।